चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जो सीरीज चला था पत्थर, जो ब्रिटिश शासन के उसके जो उनके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए थे, कई सारे जो व्यवस्था, यातायात व्यवस्था हो चाहे मुद्रा हो चाहे राजस्व व्यवस्था हो चाहे भौगोलिक संरचना हो, जो न्याय व्यवस्था संबंधित कुछ कार्य इनके द्वारा जो परिवर्तन किए गए छत्तीसगढ़ में, वो सभी इसमें उल्लेख है। अब इसमें मैं ये पार्ट टू है वीडियो का, इसमें जो कल उस टाइम पिछला वीडियो का जो बचा था उसी आगे मैं पढ़ बताऊँगा इसमें का। तो चलिए, इसमें राजस्व व्यवस्था को देख रहे थे, उसमें कुछ हद तक बच गया था। तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत में उस टाइमिंग में जो छत्तीसगढ़ में क्या किया गया था, तो दो राजस्व व्यवस्था हम लोग के भी दो जिलों थे हम लोग के उस टाइम के, रायपुर था एक हमारा बिलासपुर था। तो पहला रायपुर में देख लिए। अब रायपुर में भू राजस्व व्यवस्था लाया गया, भू राजस्व व्यवस्था लाया गया, भू राजस्व व्यवस्था रायपुर में लाया गया, इसको याद रखना। अब इसके अंतर्गत कब कब लाया गया इसको याद रखना, तो 1862 में पहला तो लाया गया है ना, ये प्रथम बंदोबस्त था इसके अंतर्गत में, प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था था ये। फिर आया इसके बाद 1889 में आया एक फूलर कुंद द्वितीय बंदोबस्त था, सेकेंड नंबर का द्वितीय बंदोबस्त ये व्यवस्था था व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत में क्या है, अंदर में ये फूलर फूलर था इसको याद रखना, क्या था फूलर था इसको याद रखना, एक था 1897 में आया। तीसरा नंबर का आया तृतीय बंदोबस्त, ठीक है, 62, 89, 97, फिर 1929, ये चौथा नंबर का, और आखिरी है लास्ट है, ये लास्ट है बंदोबस्त। ये राजस्व से संबंधित कुछ व्यवस्था था, भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था था, बंदोबस्त प्रथम बंदोबस्त 1862 में रायपुर का बता रहा हूँ अभी, फिर इसके बाद बिलासपुर का बताऊँगा। 1862, फिर 89 है ना, फिर 97, फिर 29, 62, 89, 97, 29, 89, 97, 29, इसको याद रखना, जिसको याद ना फूलर के द्वारा लाया था द्वितीय द्वितीय मतलब सेकेंड का। अब भी सेकेंड नंबर क्या था, बिलासपुर में, बिलासपुर में लाया गया भू राजस्व व्यवस्था, क्या किया गया लाया गया इसको याद रखना। तो इस टाइमिंग में इन्होंने दो दो ठो बस लाया था, दो ये जो मतलब बिलासपुर में दो ठो बस आया था, एक तो प्रथम इसका बंदोबस्त आया था, ये आपका इनके टाइम आया था, जो क्या बोल रहा हूँ इसमें चीस्म द्वारा लाया गया था, मिस्टर चीस्म, चीस्म द्वारा लाया गया था, इसको याद रखना। ये जब जो अगला अगला जब वो जो डिप्टी गवर्नर बनेंगे ना, जो डिप्टी कमिश्नर, उनके द्वारा लाया गया। फिर 18A लाया गया इसमें, 1880, 1880 में, 1880 में लाया गया इसको IS बरी द्वारा, बेरी द्वारा, IS बेरी द्वारा इसको लाया गया। ये सेकेंड नंबर का द्वितीय द्वितीय बंदोबस्त क्या था जी, द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था, ये इसको याद है, 68 80, 68 80, प्रथम और द्वितीय, एक चीज में द्वारा, एक IS बेरी द्वारा, इसको याद रखना, ठीक है। अब इसके टाइमिंग में हुआ क्या, इसके टाइमिंग में ये हुआ कि मतलब अंग्रेजों के कालीन में जो गोटिया का पद मुगल मराठा कालीन जो चाह रहा था, गोटिया जो गोटिया का पद था ये क्या था, मराठा कालीन था, ये कलचुरी कालीन भी शायद ये था शायद मेरे ख्याल से, लेकिन लेकिन गोटिया मेरे ख्याल से मराठा द्वारा दिया गया, तो मराठा कालीन पद था। तो इसने जो इसको बाद में माल गुजार इसी को बोल दिया, माल गुजार इसी का नाम चेंज हो गया माल गुजार। अब माल गुजार गोटिया का पद था, अब गोटिया को पहले क्या ग्राम का जो प्रमुख था गोटिया कहलाता था, तो ये क्या था आपका मालगुजार, इसको याद रखिए। अब इसको क्यों लाया गया था, तो भू राजस्व व्यवस्था जो चल रही थी हमारी, जो भू राजस्व कौन सी व्यवस्था चल रही थी, भू राजस्व व्यवस्था चल रही थी, तो इसी के टाइमिंग के लिए मतलब जो सुधार करने के लिए बंदोबस्त को लाया गया। ये बंदोबस्त था, ये भी कौन था आपका मालगुजार बंदोबस्त, इसको लागू किया गया इसी टाइमिंग हुआ जब ये राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के समय में।
अब जैसे इसके अंतर्गत क्या था, जो किसान थे इसमें जो अपने भूमि को क्या करते थे, 12 वर्षों के लिए उस उन्हीं के मतलब उनके ऊपर मतलब छोड़ देते थे, जो यहाँ जो माल गुजार थे मतलब उनके अधीन मतलब कर देते थे, माल गुजारी बंदोबस्त के अंतर्गत 12 साल के लिए क्या करते थे, 12 साल के लिए जो अपनी कृषि भूमि हो या जमीनी भूमि हो उसको क्या करते थे, उसको काबिज या उसको जैसे एक वो स्थायी रूप से तो नहीं था, अस्थायी रूप से रखते थे, और स्वामित्व उन्हीं का अधिकार रहता, स्वामित्व अधिकार उन्हें प्रदान कर दिया जाता था, और उनके अनुसार जो उन्हें अपना कुछ भी उन लोग करते रहे, उनके संबंध में कुछ टैक्स उस भी उन लोग को मिलता था, कुछ छूट उट, इसको याद रखना। तो इनमें आय जो आय की मद, अब ये तो हो गया छोड़ो, ये गोठिया उठिया हो गया, अब आय का, आय का स्रोत कैसा था, आय का स्रोत बता रहा हूँ इसमें का, अब आय का स्रोत कैसा था। तो 1854 के पूर्व जान मराठा का जब चल रहा था, 1854 के पूर्व तो क्या हुआ था, तो आय जो इनकम हो रहा था मराठा लोग को सात सात जगह से मिला, 7 टाइप से इन लोग क्या लग मतलब क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, 7 प्रकार का टैक्स उस टाइम में लगा था। फिर अब इन लोग क्या किए, इसको 7 को ना 4 भाग में कर दिए, अंग्रेज लोग क्या किए इसको 7 को 4 भाग में कर, 4 टाइप का टैक्स देने लगे। अब इसमें कौन कौन था, एक तो भू राजस्व था, अबकारी, सायर, पंडवी, चार, ये देखो भू राजस्व क्या था, भू राजस्व, अबकारी और सायर और क्या था, पंडरी, इसको याद रखना, भू राजस्व, अबकारी, सायर, पंडरी, चार बस इसमें शामिल थे, बाकी को सबको एक ही में मर्ज कर दिया गया था। अब इन्होंने एक नियमावली बनाई थी, दस्तूर उल अमल नाम का एक नियमावली बनाई थी उस टाइम में, राजस्व संबंधी मामलों के जो अगर कोई परेशानी मुद्दा होता है तो एक नियम बनाया था, दस्तूर उल अमल, इसको याद रखना। अब चलो इसमें मुद्रा उद्रा व्यवस्था बता देता हूँ, इन लोग के टाइम में मुद्रा उद्रा व्यवस्था का भी क्या हुआ था, सुधार हुआ था, मतलब काम उस क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया था। तो मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, अब मुद्रा अवस्था हम देखेंगे ना, तो इन्होंने क्या जो नागपुरी रुपया चल रहा था उस टाइम मराठा कालीन जो 1955 तक मतलब सॉरी 1855 तक शासन जो 5 जून तक, वो भी 5 जून 1855 डेट याद रखना, 5 जून 1855 तक क्या चल रहा था, नागपुरी रुपया चल रहा था। अब नागपुरी रुपया जो नागपुर का रुपया था, नागपुर में क्या चल जो रुपया चल रहा था, इसको इसको बंद करके क्या किया गया, इसको जो सिक्का चला ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या चला, सिक्का, अब उसका सिक्का चलाना चालू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज थे भाई, नागपुर पर कहे चलाएंगे, उसका नोट वोट को बंद करवा दिए, और फिर जो जो भी था मतलब चाहे सिक्का रहा चाहे भी उनका भी रुपया रहा जो भी रहा, तो फिर अभी सिक्का चलाने लगे। अब इन्होंने क्या, 1 मई को इन्होंने क्या किया, 1 मई को सिक्का जारी कर दिया था, और नागपुरी रुपया बंद, इसको ये बंद हुआ 5 जून को, और देखो 1 मई से चालू हुआ, 1 मई से 31 मई, मई के बाद जून आता है, तो 1 मई के सिक्का पहले जारी कर दिए थे, बाद में फिर रुपया को बंद किया, उसके अगले महीने, उसके अगले महीने क्या किया, इसको बंद किया, सॉरी सिक्का को मतलब चालू किया, इसमें इसको नागपुर ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का, और जो सरकारी उपतारी भुगतान होता था ना उसको सिक्का कंपनी देते थे, उन लोग रुपये में ही देते थे, जो सरकारी भुगतान उगतान होता था उसमें रुपया ही चलन था उस टाइम में, ठीक है। अभी इन लोग अभी तो हो गया मुद्रा व्यवस्था, एक डाक व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, अब था डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था कैसे देखो, तो ब्रिटिश शासन के जब जब उस टाइम में चला आरंभ हुआ ना, तो छत्तीसगढ़ में डाक व्यवस्था उतना नहीं था, प्रचलित उचित नहीं था, जैसे ही आरंभ हुआ फिर इन्होंने नया डाक व्यवस्था लाया, क्या लाया, नया डाक व्यवस्था इसको लाया, इसको याद रखना, रायपुर में जो नवीन डाकघर, अभी जो पहले नहीं था रायपुर में तो है था ही नहीं, तो रायपुर में एक शायद था मेरे ख्याल से, तो उसमें नया डाकघर लाया मतलब प्रारंभ किया, और वहाँ पोस्ट मास्टर को उसका पद रखा गया, उसमें जो पोस्ट मास्टर अभी रहते हैं डाक में, डाक विभाग में,
ये रायपुर में मतलब नया तरीके से मतलब क्या हुआ, नया डाक विभाग बना और उसमें पोस्ट मास्टर का पद रखा था। जो पोस्ट मास्टर जो चिट्ठी उट्ठी पहुंचाता था कौन था, और वही था, इसको याद रखना। इन लोगों ने घोड़े उड़े की व्यवस्था थी, सुविधा के लिए इन लोगों ने घोड़े रखे थे, मतलब पहचाने पहुंचाने के लिए घोड़े रखे थे, मतलब घोड़ों को रखा था। हाँ, चौक घोड़ों को रखा और जो हरकारे को रखा था। और कई लोग साइकिल वाइकल नहीं था तो कुछ और में जाते थे, सुविधा उधर लगा हुआ के परिवहन के जो सुविधा थे, छोटे मोटे बैलगाड़ी उलगाड़ी में हैं, बैल उलगाड़ी उसमें जाते थे, पोस्ट मार्टम या फिर पैदल जाते थे। अब रायपुर में जो पोस्ट मास्टर के रूप में एक आदमी आया था, लेफ्टिनेंट स्मिथ नाम का, 1857 में आ देखना। ये बना आपका डाक व्यवस्था बन गया है ना, पोस्ट रायपुर का डाक विभाग। अब उसी डाक विभाग में उस टाइम में दो जिले ही थे ना, शायद सॉरी जिले बने ही नहीं थे, क्योंकि 1861 में जिले बने, ये तो 1857 में, अभी सिर्फ तहसील था अभी। तो रायपुर में ये 1857 रायपुर में वो जो पोस्ट मास्टर जो बैठे लेफ्टिनेंट स्मिथ, कौन थे भैया, लेफ्टिनेंट स्मिथ, लेफ्टिनेंट स्मिथ बैठा इसमें रायपुर के, इसमें किसमें बैठा, रायपुर के इसमें मतलब ये बैठा बोल रहा हूँ, इसमें रायपुर के जो पद था जो बचा था जो पोस्ट मास्टर का, उसमें लेफ्टिनेंट स्मिथ ने इसने गद्दी पर बैठा, इसको याद रखना। इसका कारण क्या था, जो 1857 के विद्रोह का जो उस टाइम में काफ़ी विद्रोह चल रहा था, बहुत बढ़ गया था। अब स्मिथ को इसलिए चुना क्योंकि विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम में, और पत्रों की जो आवाज का मतलब आवाजाही ना उतना मतलब नहीं था, मतलब सॉरी आवाजाही मतलब बढ़ गया था, विद्रोह क्योंकि फैलाना था ना उस टाइम, जो लोग मतलब जागृत हो गए थे उस टाइम के, ये मतलब अंग्रेजों को बाहर भगाना है ऐसे करके, इसका मतलब उसके नियंत्रण के लिए इसको चुना गया था स्मिथ को। तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें जो चिट्ठियाँ इधर उधर जा रही थी एक दूसरे से मतलब सूचना पहुँचाने के लिए, तो उसको नियंत्रण करने के लिए इसको नियुक्ति की गई थी, इसको याद रखना। अब जो डाक टिकट जारी होता था, एक डाक टिकट जो ऊपर में लगा रहता था, डाक टिकट लगा रहता है, उसमें विक्टोरिया का चित्र रहता था, जो आपका महारानी विक्टोरिया आपका ब्रिटेन का, तो उसमें उसका मूल्य था 1 आना, उस टाइम का आना उना चलता था, जो 16 आना हो तो ग्रह उस टाइम का था, प्राचीन भारत के इतिहास में उसमें आएंगे, लेकिन आना उना उस टाइम भी चलता था। ठीक है, समझ गए, अब चलिए इसको क्लोज करते हैं इसमें। अब एक यातायात के में क्या क्या उन लोग की सुविधा हुई, मतलब इनके द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई यातायात की अंग्रेजों के समकालीन जब उनका शासन हुआ था। तो 1828 1830, तो ब्रिटिश संरक्षण काल था, याद रखना इसको। तो इन्होंने क्या किया था, अपने व्यापारी व्यापार पर करने के लिए ना सड़कों का निर्माण करवाया था, जब ब्रिटेन, अरे जब संरक्षण काल था, ये इसको मैं बताया हूँ 1828 1830 तक, तो यहाँ व्यापार उपार करने के लिए ना इन लोगों ने क्या बनवाया था उस टाइमिंग में, सड़क उड़क बनवाया था, सड़क निर्माण करवाया था, सड़क बनाया, इसको याद रखना। ठीक है, और जो भी वो किसके काल में बना था, एगेंडो के काल में, वो ये लोग बनाए थे रायपुर से, और रास्ता था रायपुर से नागपुर के लिए, नागपुर महाराष्ट्र है ना, वहाँ मतलब जाने के लिए इन लोग सड़क बनाए थे। आवाजाही जरूरी थी ना, क्योंकि अब डेली आना जाना था इन लोग का, क्योंकि सासा कुसा कुछ टाइम में बैठते थे, मराठा का अप डाउन कहाँ से करते उन लोग। अब एक लोक निर्माण विभाग बना, सॉरी लोक कार्य विभाग, तो इन्होंने क्या किया, पुरानी सड़कों की मरम्मत करना चालू किया। 1854 में क्या हुआ, लोक निर्माण कार्य बना, मतलब लोक कार्य विभाग बना, तो ये लोगों का जो रोड सड़क था ना, जो पुरानी सड़कें थे जो कच्ची उच्ची पक्की उक्की, मतलब कच्ची उच्ची जो मिट्टी उट्टी के रहते थे, या ऐसी सड़क ही नहीं रहते थे, पानी उनी जो भी पाइप वो, कई लोग वो रास्ता उतर नहीं रहते थे, तो बांस उस कुछ भी लकड़ी उकड़ी का लगा देते थे रास्ता बनाने के लिए, तो उसका सबका फिर निर्माण होने लगा। तो लोक कार्य जब विभाग हुआ ना, बना ना लोक कार्य विभाग, तो 1854 में फिर उन्होंने मरम्मत कराना चालू कर दिया सड़कों का, जो पुराने सड़क थे उसका। ठीक है, इसको याद रखना। फिर एक 1862 याद किया,
लाइन से याद रखना, 1884, 1834 में यहाँ, फिर 1954, फिर 1862। अब 1862 में क्या हुआ, जो सड़क जो ग्रेट ईस्टर्न मार्ग था उसका शुरुआत किया गया। जो ग्रेट ईस्टर्न मार्ग, जो ईस्टर्न मार्ग था, जो ग्रेट ईस्टर्न मार्ग था, तो जी रोड जिसको बोला जाता है, जो जी रोड था, एक लंबा लाइन बनाया गया। उसका आरंभ कहाँ से हुआ आपका, जो नागपुर से कहाँ तक, जो संबलपुर तक, नागपुर से भैया संबलपुर तक गया, तो हमारे छत्तीसगढ़ पूरे जुड़ गए उसमें। वो पूरा देखो, राजनांदगांव आगे, दुर्ग आगे, रायपुर आगे, सब बस उसमें आ गए। इसी में 1862 के था पूरा जो ईस्ट कॉरिडोर था, जी रोड जिसको बोला जाता है, ग्रेट ईस्टर्न रोड, ठीक है, इसको याद रखना। अब 19वीं सदी में ही जेल बोलता हूँ, रेल यातायात चालू हुआ। 19वीं सदी में क्या बोल रहा हूँ जी, 19वीं सदी में रेल यातायात चालू हुआ। रेल यातायात चालू हुआ, इसको याद रखना। क्या बोल रहा हूँ, रेल यातायात क्या हुआ, चालू हुआ, इसको भी याद रखना, प्रारंभ हुआ। अब जो कंपनी जो थी, जैसे छत्तीसगढ़ का जो रेल लाइन है ना, जो छत्तीसगढ़ का क्या बोल रहा हूँ, जो रेल लाइन बिछाने का जो कार्य जो हुआ था, छत्तीसगढ़ का जो रेल लाइन था वो बंगाल नागपुर कंपनी द्वारा किया गया था। एक कंपनी था, जब जो रेल यातायात जो छत्तीसगढ़ में चालू किया, बंगाल नागपुर कंपनी था, उसी के द्वारा क्या किया, रेल लाइन बिछाया गया, इसको याद रखना। जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल था ना, BNC जिसको बोला जाता था, BNC एक कंपनी था, उसी के द्वारा क्या किया था, रोड बनाया गया था, वो अपने सुविधा के लिए बनाया गया था रेल लाइन। उसका जो माल गड़ी उड़गड़ी आता था ना, उसके लिए मतलब सोचा था, मतलब वो कम कारखाना उड़खाना के लिए। तो 1862 में देखो, सॉरी 1882 में, 1882 में जो राजनांदगांव से नागपुर तक एक रेल लाइन बिछाई गई 1862 से, कहाँ से, राजनांदगांव से, राजनांदगांव के कहाँ, नागपुर तक क्या, 1862 82 में क्या किया गया, रेल लाइन बिछाई गई, इसके आगे। और 1887 में, 1887 में जो छत्तीसगढ़ क्या, जो छत्तीसगढ़ रेलवे का जो बंगाल नागपुर, इसमें क्या कर दिया, बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कर दिया, इसको याद रखना। जो बंगाल नागपुर रेलवे में क्या कर दिया, जो 1887 में जो ये राजनांदगांव नागपुर रेल लाइन था, उसको बंगाल वाले जो रेल लाइन, जो लंबी लाइन थी, उसी में मिला दिया, इसको जोड़ दिया, इसको 1887-82 में हम लोग का बना राजनांदगांव से नागपुर, इसको याद रखना डेट को। हमारे जो प्रदेश में जो रेल का जो संचालन बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ था, जो बंगाल से नागपुर तक पूरा रेल लाइन गया था, वो भी डेट याद रखना, 27 नवंबर 1888 को, 27 नवंबर 1888 को क्या हुआ था, रेल लाइन गया था बंगाल नागपुर, बंगाल से लेकर नागपुर तक, तो उसी में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ आ गया। 27 नवंबर 1888, 27 नवंबर 1888 को हमारा क्या चला भैया, रेल चला। सर्वप्रथम रेल का संचालन हमारा जो बंगाल नागपुर के मध्य प्रारंभ हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल थे बीच में, ठीक है, इसको याद रखना। अब वही कंपनी ना, जो बंगाल नागपुर वाला जो कंपनी था, BNC वाला, 1889 में क्या किया, कंपनी द्वारा जो बिलासपुर रेलवे लाइन बनाई गई, एक बिरसिंहपुर एक उमरिया को रेल लाइन में जोड़ा गया। एक था बिरसिंहपुर और उमरिया को क्या किया गया, इन्होंने जोड़ा गया, किसमें, इसमें, इसमें जोड़ा गया आपका रेलवे लाइन में, बिलासपुर के रेलवे लाइन में, ठीक है, इसको याद रखना। क्या, किसमें जोड़ा गया, बिलासपुर के रेलवे लाइन में जोड़ा गया, फिर 1890 इसको याद रखना। तो रेलवे स्टेशन जो बना हमारा, जो बिलासपुर का, बिलासपुर रेलवे स्टेशन, बिलासपुर का रेलवे स्टेशन कब बना, 1890 में, इसको याद रखना, ठीक है। फिर 10 साल बाद 1900 में बना फिर एक रेल मंडल की स्थापना की गई, बिलासपुर का यही, इसमें
बिलासपुर में क्या रेल मंडल की स्थापना की? रेल मंडल की स्थापना हुई, इसको याद रखना, ये कलकत्ता के अधीन था, कलकत्ता के क्या था, अधीन था, इसको याद रखना। ठीक है, एक इंडिया मिडलैंड बनाया गया था, जो रेलवे का ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में उसको विलीन कर दिया गया। इंडिया मिडलैंड बनाया गया था, मिडलैंड मतलब उसको इंडियन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में क्या किया, उसको मिला दिया गया था उस टाइम में। अब इसी टाइम 1900 में ही ना, जो आपका जो नागपुर वाला था, राजनांदगांव, राजनांदगांव दुर्ग भी जुड़ गया, रायपुर और बिलासपुर, ये सभी मुंबई कोलकाता वाला पूरा लाइन में कहाँ जुड़ गया, मुंबई से लेकर कोलकाता तक पूरे जुड़ गया 1900 में। पूरा रेलवे जो है ना सरकारी अधिपत में आ गया 1800 तक, पूरे सरकार के अधिपत में आ गया, इसके याद रखना, समझ गया। अब न्याय व्यवस्था कैसी थी इसको मैं बताता हूँ। अब न्याय व्यवस्था उस टाइम में कैसी थी, तो मराठा कालीन तो जो न्याय व्यवस्था समाप्त हुआ, जो बहुत सारी दोष थे उसमें, मराठा कालीन में जो शासन काल में जो न्याय व्यवस्था को उसमें बहुत सा उनको समाप्त कर दिया गया था, और इसमें फिर सुधार किया गया न्याय व्यवस्था के लिए। उस उन लोगों ने मराठों में उतना वो नहीं था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए थे, अभी लोग आए ना अंग्रेज लोग, तभी लोग काफ़ी सुधार किए। तो पंजाब में जो सिविल कोड का आधार बनाया गया था है ना न्याय व्यवस्था में, उसको यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में लागू किया था न्याय व्यवस्था में। और रायपुर और बिलासपुर में जो डिप्टी कमिश्नर उस टाइम में नियुक्त किए थे, न्यायिक जो अधिकारी होता था, किसको बोल रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर को नियुक्त करा, जो दंडाधिकारी मान लो न्यायिक अधिकारी होता था रायपुर और बिलासपुर का उस टाइम का। और एक न्यायालय की भी स्थापना की थी, दीवानी और फौजदारी की न्यायालय दोनों का स्थापना यहाँ की गई थी। और जो दीवानी मामले थे उसको तहसीलदार को दी गई थी उस टाइम में, और जो परगनों में नायब तहसीलदार को दी गई, जो परगनों के अंदर कोई अगर दीवानी मामले को देखेगा तो नायब तहसीलदार, और जो पूरे जो जितना जो जिला उला के अंदर देखेगा तहसीलदार के लेवल में तो तहसीलदार देखेगा दीवानी मामले को। और फौजदारी भी उन लोग देखते थे, तहसीलदार को भी था और फौजदारी मामले डिप्टी कमिश्नर को भी था, जो जो मेन था जो जो डिप्टी कमिश्नर था, और अंतिम फैसला देने का अधिकार वो कमिश्नर को था, जो डिप्टी कमिश्नर नियुक्त होते थे उनका जो मेन था। बाकी जिले तो दो ही थे, दो ही मेंबर, बाकी जो तहसीलदार उसमें व्यवस्था नहीं थी, जितने भी तहसील बने उसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए शिक्षा व्यवस्था बता देता हूँ, शिक्षा व्यवस्था में इन लोग क्या का सुधार किया, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल में जो 20वीं सदी के आरंभ में जब इन लोग क्या किया, जो ब्रिटिश जो 20वीं शताब्दी मतलब आरंभ हुआ, जब 1900 में पहुँचे, 1900 साल 1900 में के यहाँ आस पास में पहुँचे ये, तब इन लोग क्या किए, जो अंग्रेज लोग क्या किए, शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लाए, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक लाया, मतलब शिक्षा के लिए, मतलब विशेष उन लोगों ने बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को भी महत्तम बनाया इन लोग, मतलब प्रशासन में जो सरकारी विभाग था उसमें क्या किया, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी दोनों का प्रशासन उस टाइम में चलता था। फिर इनका जैसे स्कूल स्कूल कॉलेज वॉलेज भी इन लोगों ने निर्माण करवाए थे उस टाइम में। तो क्रम बता देता हूँ कौन कौन सा है, इसका लिख देता हूँ मैं। 1885 में एक बर्जेस स्कूल आरंभ हुआ, आरंभ में जो चिंतन गिरी के नाम से इन लोगों को जाना जाता था, शुरुआत जब हुआ ना तो चिंतन गिरी बोला जाता था इसको, ये स्कूल था एक बर्जेस स्कूल, बर्जेस नाम का स्कूल था, इसको याद हो, चिंतन गिरी इसको बोला जाता था। 1893 में सेंट पॉल स्कूल खोला गया, स्थापना हुई इसका, सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई, इसको याद रखना। 1885, 1893, 1800 फिर ये 85, फिर 93, फिर आपका 94 याद रखना है, 1894 राजकुमार कॉलेज, इसको याद रखना राजकुमार, ये पहला कॉलेज था भाई, ये सेंट पॉल एक कॉलेज है भी, सॉरी स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल यहाँ लिख देता हूँ। ये तो क्या था भाई, ये भी स्कूल था, सेंट पॉल स्कूल था, ये बर्जेज स्कूल, दो स्कूल थे, 85 में बना एक, 93 में बना, ये राजकुमार कॉलेज बना, इसकी स्थापना की एक 1907, जो कन्याशाला जो बना, जो अंग्रेजी माध्यम की जो सालेम कन्याशाला है ना, इंग्लिश मीडियम का एक स्कूल 1907 में बना, इंग्लिश स्कूल,
सालेम, सालेम में बना, उसका नाम था सालेम कन्याशाला, इसको याद रखना। एक लॉरी स्कूल बना 1913 में, ये भी स्कूल था, ये लॉरी स्कूल था, ठीक है। 1913 में याद रखना इसको। 1920 में अशोक आंदोलन के जब हुआ ना 1920 में, उस समय रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव में भी, मतलब चार जगह, रायपुर, बिलासपुर तो याद रखना, साथ में धमतरी और राजनांदगांव, क्या किया गया, नेशनल विश्वविद्यालय, मतलब विद्यालय खोले गए, स्कूल खोला गया, राष्ट्रीय स्कूल खोला गया, या विद्यालय बोल सकते हो आप, विद्यालय लगभग आपका ओपन किया गया 1920 के आसपास में, ठीक है। इसके आगे 1925 में काली बाड़ी की, 1925 में क्या, काली बाड़ी के संस्था की नींव डाली गई थी। 1925 में काली बाड़ी जो संस्था थी, एक संस्था था, उसको नींव डाला गया था, प्रारंभ किया गया था। और 1925 में इसके बाद 1937, चलो इसमें बताता हूँ, तो 1938 में रायपुर छत्तीसगढ़ कॉलेज, इसको याद रखना। 1938 में क्या, रायपुर छत्तीसगढ़ कॉलेज बना, उन्हें लिख दिया उसको मैं। 1937 में विद्या मंदिर योजना बना, छत्तीसगढ़ शिक्षा समिति बना 1937, 1938 में छत्तीस रायपुर छत्तीसगढ़ कॉलेज जे योगानंद द्वारा बनाया गया, उस टाइम में 1938 में जे योगानंद द्वारा इसको बनाया गया था, इसको याद रखना। 1944 में SBR महाकौशल शिक्षा समिति बनाया गया, इसका कौन, सी भगवान जो रामेश्वर दयाल थे, SBR का सी भगवान रामेश्वर दयाल महाकौशल शिक्षा समिति उसके द्वारा बनाया गया, SBR का 1944 में, इसको याद रखना डेट को। चलो मैं 1885, 1893, 1894, 1907, 1913, 1920, फिर ये चार जगह राष्ट्रीय विद्यालय खुले, धमतरी, उमतरी और बिलासपुर और रायपुर, हर एक जगह और था, राजनांदगांव। 1925, 37, ये इसका रविशंकर शुक्ल द्वारा, पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा विद्या मंदिर योजना चालू किया था। फिर ये छत्तीसगढ़ शिक्षा समिति, इसको लाया गया था, है ना, ये रायपुर में लाया गया था, ये रायपुर का है, कहाँ लाया गया था इसको, रायपुर में, इसको भी याद रखना। ये रायपुर छत्तीसगढ़ कॉलेज जे योगानंदन द्वारा 1938 में, 1944 में SBR महाकौशल शिक्षा समिति लाया गया, इसको याद रखना। और प्रशासनिक क्या 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 चीज़ें थे ब्रिटिश कालीन जब अंग्रेज आए थे, उसका जो थोड़ा बोल देता हूँ, तो 1854 में, नोट करके याद रखना इसको, थोड़ा बता देता हूँ, 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था लाई गई, इसको याद रखना, क्या शुरुआत हुई, तहसीलदारी व्यवस्था लाई, अंग्रेजों का ही पद था। फिर 1855 में जो नागपुरी रुपया का प्रचलन को बंद करवा के ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के चलवाए, ठीक है, नागपुर का जो रुपया चल रहा था उसको बंद करवा के 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सिक्के प्रारंभ किए। फिर 1857 में देखिए, इसमें जो रायपुर का जो रायपुर तहसील था उस टाइम में, तो वहाँ 1857 में क्या किया, पोस्ट मास्टर को बैठाया गया, इसको याद रखना, पोस्ट मास्टर के बाद उसमें ये वो जो स्मिथ था, कैप्टन स्मिथ, उसको बैठाया गया, नियुक्ति की गई। 1858 में जो पुलिस मैनुअल लाए वो लागू किया गया, 1858 या 1857 के आसपास से जो प्रदेश में पुलिस मैनुअल, मतलब उनको जो पंजाब का पुलिस ड्रेस ड्रेस उसी टाइप का ड्रेस व्रेस उससे उनको दिया गया, बंदूक बंदूक रखने का अधिकार दिया गया पुलिस उलिस को 1858, लगभग 100 साल पहले, अभी तो खैर 150 साल हो गए, 150 साल से ऊपर हो गया। फिर 1858 हो गया, फिर छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था 1861 में जिला प्रारंभ किया, जिलेदारी जिला बनाया गया, ठीक है, याद रखना। उस टाइम में छत्तीसगढ़ में तीन जिले बनाए थे, संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, 1861 में 2 नवंबर को। अब भू राजस्व व्यवस्था हेतु जो जो मालगुजारी बंदोबस्त भी लागू किया था, भू राजस्व तो मालगुजारी बंदोबस्त 1861 में 2 नवंबर उसी टाइमिंग में हुआ था। तो ये मालगुजार का बताए थे, गो जो जो गोटिया को पद को उसके बदल के नाम बदल के मालगुजार कर दिया गया, उसका गोटिया ही था ये, वो जो ग्राम का गोटिया होता है 1861 में, मालगुजार इसी टाइमिंग में हुआ था उसका भी। तो इसमें जो जमीन दिया जाता था उस टाइम के जो
12 साल के लिए जमीन दिया जाता था किसान द्वारा अपने उन लोग को जो सरकारी पद देते हैं भू राजस्व के लिए, ठीक है, उनको छूट उट दे देता और कुछ शक्तियाँ उनको भी प्रदान करती थी। और जो कमिश्नरी जो व्यवस्था चालू हुई 1862 में, इसको भी याद रखना, जो कमिश्नरी चालू हुई, जो आपका संभागीय जो पुलिस व्यवस्था जो कमिश्नरी व्यवस्था था 1862 में ये चालू हुआ, इसको भी याद रखना आपको। अब पुलिस व्यवस्था में जो नवीन सुधार हुए, जो नए नए तकनीक में व्यवस्था लाए गए 1862 के अंतर्गत में हुआ उसका कंप्लीट। एक और एक अधिनियम भी लाया गया था 1871 में, 1871 में अधिनियम लाया गया था जनजाति जनजाति अधिनियम। क्या लाया था भाई? जनजाति अधिनियम इसको लाया गया था, इसके अलग एक्ट था जनजाति अधिनियम एक्ट, आपराधिक वाला, आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया गया, लागू हो गया 1871 में। फिर इसके बाद जो 1885 के आसपास जो बिलासपुर में जो रेलवे वेलवे का वो सब हुआ, फिर 90 तक पूरा जो फैल गया था, धीरे धीरे विस्तार होते होने चला, मतलब होते चला, ठीक है, समझ गए। अब छत्तीसगढ़ में जो जमींदारी व्यवस्था थी, अब जमींदारी व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ में क्या थे, जमींदारी व्यवस्था, अब उस टाइम में जमींदारी व्यवस्था तो रियासत में भी चलते थे और परगने में भी थे, है ना। जो 1947 के पूर्व देखेंगे ना, तो परगने एवं जमींदारों की संख्या लगभग 9 थी, और जो परगना तो 9 था, जमींदारियाँ जो संख्या थी 27 थी। मतलब इसके पहले जो 1947 के पूर्व, मतलब वो अंग्रेजों के काल में 27 था जमींदारी व्यवस्था, टोटल संख्या कितना था 27 था जब अंग्रेज जो शासन करने आया था। तो बाद में वो इधर उधर हुआ जो भी हुआ। अब इसमें जो जमींदारी क्षेत्र जो जो जमींदारी व्यवस्था के एक विशेष वर्ग द्वारा, जैसे छोटे छोटे भू क्षेत्र था तो उसमें क्या करते थे उन लोग को, राजाओं द्वारा क्या करते थे, सैन्य मतलब सहायता होता देकर उसको उनको एक अधिकार दे देते थे, जा भैया जमींदारी व्यवस्था कर भी है, और उनमें खुला छूट दे देते थे, ठीक है, इसको याद रखना। ये कलचुरी काल में वैसे चला था, मराठवा दिन वैसे चला था, वो कलचुरी काल से चला आ रहा था भू जमींदारी व्यवस्था। और ब्रिटिश काल में भी यही, जब जो रिचर्ड टेम्पल थे वो उसको थोड़ा सर्वेक्षण सरकार को इनके इसको दिया गया 1864 के आसपास में। 1864 के आसपास में क्या किया, इसको दो वर्गों में विभाग कर दिया, जो जमींदारी व्यवस्था को रियासत या जागीरदारी जिसको बोला जाता था, जिसके प्रमुख जागीरदारी की रियासत के राजा होते थे, और उसको 14 जमींदारों के ही उस टाइम में शामिल था। फिर एक जमींदारी द्वितीय वर्ग था, जमींदारी वर्ग था, जमींदार वर्ग था, उसमें भी 14 रियासत में उसमें बांटे थे, मान्यता दिए थे, तो टोटल 27 27।